हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। और मैं हर वीडियो में आपको बताना भूल जाती हूँ, तो मैं आज आपको बता देती हूँ कि मैं हिमाचल प्रदेश के ज़िला शिमला और ज़िला शिमला के एक छोटे से गांव धरोगड़ा से हूँ। तो स्वागत है आपका हिमाचल के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और आज आ गई हूँ मैं अपने दूसरे वाले घर, क्योंकि यहाँ पर आज छोटे पापा नहीं हैं। तो आज मेरी और पलकू की ड्यूटी लग गई है यहाँ पर सारा दिन रहने की। तो देखते हैं कि आज हमारा सारा दिन कैसे बीतता है। और के साथ यू ही बने रहे। और ये चप्पल पलकू ने नीचे फेंक दी अपनी, ये आज सारे दिन मेरे को दुखी करने वाली है, बहुत शरारतें करेगी। रुक जा। हमारे दूसरे वाले घर से यहाँ से पूरे गांव के बड़े अच्छे नज़ारे दिखते हैं, देखिए। और फ्रेंड्स, अभी पलकू बोल रही है नहाने के लिए, क्योंकि मैं तो सुबह नहा गई थी पर ये अभी तक नहीं नहाई है। इसको सुबह में नहाने के लिए बोली थी, फिर बोलती कि मेरे को सुबह ठंड लगती है, मैं धूप में नहाऊंगी। तो अभी चलते हैं और पलकू को नहलाने के लिए पानी निकालते हैं। नहाएगी नहाएगी तो अभी पलकू तो चली गई है नहा धो के तैयार होके सीधा टीवी देखने। तो मेरे पास भी अभी थोड़ा टाइम है, तो मैं भी थोड़ा पढ़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। और मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाती हूँ जिससे आपको आपके बचपन की याद आ जाएगी। ये देखिए गाइस, ये है तख्ती। हमने बचपन में बहुत लिखी है, मैंने तो 5वीं तक तख्ती लिखी है। तो गाइज, आप में से किस किस ने तख्ती लिखी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बचपन में जब हम तख्ती लिखते थे स्कूल में, तो स्कूल में लंच के टाइम तख्ती धोने का टाइम होता था, और लंच के बाद फिर से स्कूल में तख्ती लिखते थे। तो हम स्कूल में तख्ती को इस तरह से सिखाते थे, शुकवे शुकवे तख्ती है, शुकवे शुकवे तख्ती है, मेरे के लगे वेरा, इस तरह से हम बोलते कि मुझे बनाना है लंच, क्योंकि अभी पलकों को भी भूख लग गई होगी। तो अभी लंच बना लेते हैं। और यहाँ पर पढ़ाई करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कोई डिस्टरबेंस नहीं है। और ये देखिए पलकों के काम। तो गाइज, अभी हमारा लंच भी बन गया है, और मैंने बनाई है आलू की सब्जी। तो अभी इन खूबसूरत पहाड़ों में आनंद लेते हैं गर्मा गर्म लंच का। और तो और गाइज, ये रखी है राजमा की दाल, ये अपने खेतों की दाल है। अभी इसमें से मैं ये खरपतवार साइड को करूँगी,
और फिर शाम के लिए ये दाल लगाऊंगी। और गाइस आजकल दिन कैसे ख़त्म हो जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। हमने खाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर मतलब 10-20 मिनट सिर्फ रेस्ट किया, उसके बाद अब मैं लग गई हूँ आटा गूंथने में। मैंने दाल लगा दी है शाम के लिए, अभी आटा गूंथ के रखूँगी। और मैं आज घर जा भी सकती हूँ, नहीं भी जा सकती हूँ, डिपेंड करता है कि छोटे पापा कब तक पहुँचेंगे। अगर ज़्यादा रात हो जाती है तो मैं यहीं रहूँगी, और अगर जल्दी पहुँच जाते हैं तो मैं घर जाऊँगी। और गाइस अभी आटा भी गूंथ लिया है। और अभी मैं जा रही हूँ घर, और यहाँ पर जहाँ मेरा दूसरा घर है इस जगह का नाम बोलते हैं कुफ्टुगुट। तो यहाँ पर आज बहुत अच्छा लगा, और कैसे दिन बीत गया पता ही नहीं चला। अभी मैं अपने घर में पहुंचने ही वाली हूं, और पलकू चली गई है पापा के साथ ऊपर। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में।